म्यूचुअल फंड में डिविडेंड ऑप्शन से निकलकर क्या ग्रोथ ऑप्शन में स्विच हो जाने में है समझदारी? क्या आपकी एसआईपी पर लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स के बाद म्यूचुअल फंड का रिटर्न बढ़ाने के लिए क्या बढ़ाना पड़ेगा निवेश? इक्विटी में निवेश पर 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगा दिया गया है। अब ऐसे में अगर आप म्यूचुअल फंड में डिविडेंड ऑप्शन में हैं तो आपकी कमाई पर यानी डिविडेंड पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो कि 10% का होगा वो लगेगा ही। साथ ही अगर आपका कैपिटल गेन 1,00,000 से ज्यादा होगा तो उस पर भी आपको देना पड़ेगा 10% का टैक्स। जर्मनी पर आज आपके इसी मुद्दे के सवाल का जवाब हम देंगे और हमने आपके सवाल ट्विटर, फेसबुक और ईमेल के जरिए शो में शामिल किए हैं और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आज मेरे साथ शो में शामिल हो रहे हैं।